हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो नई शिक्षक भर्ती आ रही है उसी के रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो दे रहा हूं। मैं संस्कृत, जैसा कि मैं तीन से चार क्लास में ले चुका हूं, आज हम संधि डिस्कस करेंगे गाइस। संधि वो भी एक ज़बरदस्त ट्रिक से करेंगे जो बच्चों को संधि में दिक्कत होती है। गारंटी, अगर आप मेरी ये तीनों वीडियो देख लेंगे, आज मैं इस वीडियो में अच संधि मीन्स स्वर संधि कवर करूँगा, उसके बाद व्यंजन संधि बहुत बढ़िया ट्रिक से, और लास्ट है विसर्ग संधि, ठीक है, बहुत बढ़िया कवर करेंगे। तो इसको आप देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जो है। चलिए, और आपको जो भी मैं क्लासेस दे रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स पूरी बनी हुई है, आप इसको देखिए पढ़िए। चलिए देखिए, क्या संधि क्या, अगर संधि का संधि कैसे विच्छेद अगर देखते हैं इसका क्या है, तो सम धन धा धन की, ठीक है, ये अगर संधि अगर आपसे ऑप्शन मिलता है तो आप इस पे टिक मार दीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। परिभाषा की बात करते हैं तो वर्ण संधानम संधि मतलब क्या होता है कि वर्णों के मेल को या उनसे होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ठीक है गाइस। पाणिनि की परिभाषा अगर बात करते हैं तो परह सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता को संधि कहते हैं। चलिए, तो सिंपल सी बातें हैं। अब देखिए संधि के प्रकार क्या हैं, ठीक है, तीन तरह की संधि होती है गाइस। अच संधि जिसे हम स्वर संधि कहते हैं, हल संधि जिसे व्यंजन, और विसर्ग। तो आज हम इस वीडियो में अच संधि की ट्रिक को देखेंगे जो है, और देखते ही आप विद इन दो सेकेंड में आप आंसर फाइंड कर लेंगे। तो देखिए स्वर संधि क्या है, स्वर और स्वर के मेल से स्वर संधि होता है, स्वरों के मध्य मेल होने से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, जिससे एक और एक है, ठीक है, स्वर स्वर है तो एक का एक हो गया, ठीक है। स्वर के कितने भेद होते हैं ये पूछा जाता है, आठ भेद होते हैं, इन्हीं आठ भेदों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो है। तो चलिए देखते हैं वो भी ट्रिक से, ठीक है। चलिए पहला देखिए गाइस क्या है, पहला है आपका यड़ संधि, क्या है पहला आपका यड़ संधि, ठीक है, देखिए पहला है। तो इसका सूत्र पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसे दे देगा इको यड़च दे देगा, ठीक है, या आद गुड़ह दे देगा, या एचो अयावह वाय दे देगा, इस तरीके से जो भी सूत्र भी आपको देखेगा आगे जो है। तो इको यड़च ये आपका देखिए कैसे है, यड़ है बीच में आ रहा है ना, यड़ तो मतलब यड़ संधि का ये जो है सूत्र है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, अब हम ट्रिक पर सीधा काम करते हैं। ट्रिक क्या है, जैसे कि देखिए प्रत्येकम दे देगा, अनवय दे देगा, मैक्सिमम ऐसे ही प्रश्न देता है, ठीक है। तो हमको याद सिर्फ इतना रखना है कि य व के पहले अगर आधा अक्षर है, क्या है, य और व के पहले अगर आधा अक्षर है तो वह यड़ संधि का उदाहरण होता है, ठीक है गाइस। चलिए इतनी बात आप समझ गए हैं तो यड़ संधि आपका तैयार हो गया है। बाकी कुछ एक दो ऐसे होते हैं जैसे मात्रा देश हो गया, बाकी मैक्सिमम यही से होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब है गाइस अयादि संधि, ठीक है। तो अयादि का देखिए सूत्र क्या होता है, एचो अयवायव, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, इसको क्या ट्रिक क्या है, बहुत आसान सी ट्रिक है। मध्य में सब सेंटेंस जो वर्ड होगा, वर्ड के मध्य में, शब्द के मध्य में आए रहे, आए रहे, अव रहे, आव रहे, सीधा आप अयादि संधि पर ट्रिक मार दीजिएगा। कैसे, जैसे देखिए आप उदाहरण देखिए, जैसे जय है ना, अयार भविष्य, विनायक भावना न, तो अव आय आव इस तरीके के आपको दिखता है तो सीधा आप क्या ट्रिक मारेंगे, अयादि संधि पर मारेंगे। चलिए अब देखिए गुड़ संधि क्या है, गुड़ संधि का सूत्र क्या है, आद गुड़ है, इसमें गुड़ लगा हुआ है तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। इसकी ट्रिक क्या है, शब्द के मध्य में एक मात्रा हो, ठीक है, क्या हो, एक मात्रा है, जैसे कि देखिए ये वाली एक मात्रा लगी है अगर जो है, जैसे देवेंद्र न, देवेंद्र एक मात्रा है, दो मात्रा नहीं है, दो मात्रा एक साथ में अगर हो तब, ठीक है, दो मात्रा होगा तब आपको वो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है। तो गंगोर्मी, ठीक है, इस तरह का जो ये लगा होता है ये भी आपको क्या है, गुड़ संधि का ही उदाहरण होता है। यहाँ तक आप समझ, जैसे ये देखिए महान ये लगा है ना, ये देखिए सीधा मार्ग, ठीक है, तव तवलकार, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका क्या हो जाएगा, गुड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका क्या है, वृद्धि, वृद्धि संधि क्या होती है, जिसे इसका सूत्र है वृद्धि रेची, ठीक है, सूत्र पूछता है ऐसे क्या होता है, वृद्धि रेची, ठीक है, वृद्धि रेची, ठीक, शब्द के मध्य में दो मात्रा हो, शब्द के मध्य में दो मात्रा लगे हों, ठीक है, जैसे देखिए एकाएक, परमौज न, तो सुखार्थ, ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपका ये हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दो मात्रा देखिए है ना, एक मात्रा नीचे भी सुखार्थ में, ऊपर भी है, तो दो मात्राएं मतलब बड़ी बड़ी ये मात्राएं हो गई,
चलिए अब हम देखते हैं आगे दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि क्या होता है गाइस? देखिए दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है अकह सवर्ण दीर्घ है। क्या होता है? अकह सवर्ण दीर्घ है, जहाँ पर शब्द में दीर्घ मात्रा दिखाई दे। ठीक है, दीर्घ मात्रा दिखाई दे जो है, जैसे कि कार्यालय, देखिए आ की मात्रा है, हरीश बड़ी की मात्रा है, बड़ाऊ की मात्रा है, पितृम, ठीक है, इस तरीके से जो है, तो आपका जो है दीर्घ संधि का उदाहरण ये सभी हैं। ठीक है, अब देखिए दो और हैं इसमें जो है। ठीक है, पर रूप, और अब देखते हैं क्या है, तीन और पढ़ना होगा, हिंदी में तो इतने ही हो जाते हैं, इसमें बढ़ जाते हैं। पर रूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव। पर रूप देखिए कुछ नहीं है, अ प्लस ए तो ओ है, ए ओ मतलब ये है, देखिए सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ हो बाद में ए तो ओ हो, तो ठीक है, क्या मतलब ये देखो जी, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे उपधन एलती है ना, तो उपधन एलती है तो इस ए को क्या ये मात्रा में चेंज हो गया, तो उपेलती हो जाएगा। प्रओषति है ना, तो प्रओषति ओ की मात्रा है क्या, तो प्रोषति हो जाएगा। प्रयजते तो फिर ये हट गया, प्रयजते, ठीक है। उपओषति है तो ओ फिर हो, तो उपोषति, बस एक मात्रा लग जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अपवाद में क्या है देख लीजिए, जैसे अवएति है, अवएति तो वृद्धि का होता है, दो मात्रा डबल, तो ये वृद्धि दो ऐसे होते हैं जो इनमें कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए पूर्व रूप संधि देख लीजिए, ए ओ के बाद अ का पूर्व रूप इस तरह का जो ये आप डिजाइन देख रहे हैं, ठीक है, चिन्ह जो देख रहे हैं ऐसे हो जाता है, मतलब अ जो है आपका इसमें चेंज हो जाएगा। जैसे के अपी है तो इस अ को हम क्या कर देंगे, इस मात्र डिजाइन ले लेंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा, सब कुछ वही, कुछ चेंज नहीं करना है इसमें जो है, बस अ को हम इस रूप में ले आ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रामे है, देखिए अ है, इस अ को क्या कर दिया, ये बना दिया गया, इस अ को क्या बना दिया, ये बना दिया गया, इस अ को क्या कर दिया, ये बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरह का अगर जैसे दिखता है ये डिजाइन आपको दिखता है, तो सीधा सीधा आप क्या समझेंगे, पूर्व रूप हो जाएगा। ठीक है, पूर्व रूप संधि लगा देंगे। अब लास्ट है गाइस, प्रकृति भाव संधि। ठीक है, तो प्रकृति भाव संधि क्या होती है, संधि का ना होना या संधि का अभाव ही प्रकृति भाव है। कहने का मतलब सिंपल, जैसे हरि एतव है तो एक साथ ऐसे हरि एतव, ठीक है, इसमें कुछ करना है, बस जोड़ दिया गया, विष्णु धनिति तो विष्णु इति, ठीक है, इसमें कोई संधि नहीं। तो बस यही छोटी सी ट्रिक थी, छोटी सी वीडियो, आपको एग्जाम में बहुत आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।